दिल्ली शराब नीति में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की रिमांड 3 दिन बढ़ा दी गई है। ईडी ने संजय सिंह को मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। इस दौरान ईडी ने संजय सिंह की 5 दिनों की रिमांड और मांगी। हालांकि कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड बढ़ाई है। संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। रिमांड बढ़ाने की मांग करते हुए ईडी ने कहा कि संजय सिंह सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे रहे। ईडी की ओर से पेश हुए वकील ने कोर्ट को बताया कि संजय सिंह हिरासत में सवालों के सही जवाब नहीं दे रहे हैं और जांच में सहयोग नहीं कर रहे। उनके फोन के डेटा के बारे में पूछा गया तो उसका भी उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। कोर्ट के सवाल के जवाब में ईडी की ओर से पेश वकील ने बताया कि हाल ही में रेड चंडीगढ़ में डाली गई जिस बिजनेसमैन की निशानदेही पर छापेमारी की गई उसका बयान दर्ज हो गया है। उसने कुछ ऐसी अहम जानकारी दी है जिनका खुलासा इस वक्त नहीं किया जा सकता। ईडी की ओर से बताया गया है कि इस मामले में रिश्वत मांगे जाने के सबूत जांच एजेंसी के पास हैं। प्रवर्तन निदेशालय इन आरोपों की जांच कर रहा है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि शराब व्यापारियों के लाइसेंस को क्लियर करने के लिए घूस मांगी गई थी। ईडी ने कहा कि सर्वेश मिश्रा भी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ईडी ने कोर्ट को बताया कि सर्वेश मिश्रा को कल के लिए नया समन जारी किया है। संजय सिंह के वकील ने ईडी की रिमांड बढ़ाने पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि 1.5 साल में बड़ा अमाउंट पकड़ नहीं पाए, अब 5 दिन की हिरासत में पकड़ लेंगे। इस पर ईडी ने कहा कि मामले में बड़ी रकम शामिल है, उसका पता करना है। इस बीच संजय सिंह ने खुद के एनकाउंटर की आशंका जताई। उन्होंने कहा कि मैंने ईडी से पूछा कि अगर मेरा एनकाउंटर हो जाए तो उसका जवाबदेह कौन होगा। अधिकारियों ने कहा उसका जवाब हम दे देंगे। संजय सिंह ने कोर्ट में कहा कि 3 तारीख को कोर्ट में पेश किया, तब कोर्ट को क्यों नहीं बताया कि ईडी के लॉकअप में केमिकल का छिड़का हुआ है। संजय सिंह ने कोर्ट से कहा कि किसी ऊपर वाले के कहने पर मुझको ऊपर भेजने की तैयारी थी, कोर्ट को ये सवाल ईडी से पूछना चाहिए। कि इस पर कोर्ट ने ईडी से कहा बिना कोर्ट को बताए संजय सिंह को कहीं नहीं ले जाना चाहिए। ईडी ने संजय सिंह के दिल्ली वाले घर में बुधवार को सुबह 7 बजे छापा मारा था। यहाँ से कई दस्तावेज जब्त किए गए थे। लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने उसी शाम 5:30 बजे संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अबकारी नीति केस की चार्जशीट में संजय सिंह का नाम भी है। इस केस में मनीष सिसोदिया फरवरी से ही जेल में है। ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है। इसी साल जनवरी में ईडी ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था। इसको लेकर संजय सिंह ने काफी हंगामा मचाया था। संजय सिंह ने दावा किया कि ईडी ने उसका नाम गलती से जोड़ दिया, जिस पर ईडी ने जवाब दिया कि उनकी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम 4 जगह लिखा गया है। इनमें से 3 जगह नाम सही लिखा गया, सिर्फ 1 जगह टाइपिंग की गलती हो गई थी। जिसके बाद ईडी ने संजय सिंह को मीडिया में बयानबाजी ना करने की सलाह दी थी, क्योंकि मामला कोर्ट में लंबित था।